प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपावली के पहले जनपदवासियों को तोहफा देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को वर्चुअल शिलान्यास समारोह के जरिए जिले को 220 करोड़ की 40 परियोजनाओं के साथ विद्युत सुधार संबंधी कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन योजनाओं की बदौलत गोरखपुर जिला अगले 10 वर्षों में बिजली की मांग के मुताबिक समर्थ हो जाएगा, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पादरी बाजार उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि, खोराबार उपकेंद्र में नए 5 MVA ट्रांसफार्मर की स्थापना, रानीबाग उपकेंद्र की क्षमता वृद्धि, शहर के विभिन्न स्थानों पर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि और नए ट्रांसफार्मरों को लगाने का काम, अलग अलग स्थानों पर पुराने और जर्जर तारों को बदलकर AB केबल किए जाने का काम सहित कुछ अन्य इलाकों में जर्जर तारों को बदलकर AB केबल करने का काम का लोकार्पण करेंगे। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर न्यूज़ भी अपने चैनल पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करेगा, जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने बताया। टोटल 40 परियोजना है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी शाम को 5 बजे करेंगे। ये तकरीबन 220 करोड़ का लागत का है। इस पर एक घोषणा भी है ताकि यहाँ 220 मेगावाट का एक पावर यूनिट लगाने जा रही है, ताकि भविष्य में मेट्रो आएगा और गोरखपुर के एक्सपेंशन और इंडस्ट्री एरिया का बिजली की खपत देखते हुए अभी से वो लग जाएगा। वो करीब 103 करोड़ का एक ही बड़ा प्रोजेक्ट है, वो उसका ज़मीन गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने दिया। उसके अलावा 5 बिजली घर बन के तैयार हो गया, उसको भी लोकार्पण करेंगे। और जर्जर तार कितने था, जनता का काफ़ी समय से मांग था, 11 करोड़ रुपया उसका अलग सैंक्शन हुआ है। जर्जर तार एवं जो खम्बे बाज गली में चलता था उसका रिप्लेसमेंट कराने के लिए करीब 3600 जो खम्बे रिप्लेस हुआ है उसको भी काम होगा। इसी टाइप का अनेक काम को इकट्ठा कराते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कल कार्यक्रम करा रहे हैं।